मैं इधर थोड़ा आती हूँ, थोड़ा कैंडी क्रश खेलूंगी, बाद में चली जाती हूँ वापस। तो बोला वापस आ गई। हमारा केले का ये हमारा जो सुपर हिट्स का है ना, एकदम पतला पतला होता है केले का वेफर, इतना तुम देखा ना उस दिन खाया था ना, एकदम पतला होता है। इसमें मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा है, तो बाहर वाले इतना मेहनत करेंगे कि जो घर वाले करते वो तो बाहर वाले नहीं करेंगे ना। मेरा नाम उर्मिला बेन जमुनादास आसर है, मैं 77 ईयर की हूँ और गुज्जू बेन का नाश्ता बनाती हूँ। अभी आप बोलो 50 चपाती बनाने का कि 100 चपाती के 100 थेपड़े बनाने का, तो मेरे को कोई ऐसा नहीं होगा हाय मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसा नहीं होता है, मेरे को बना लेती हूँ। आज हम बना रहे हैं कच्चे केले के वेफर। बहुत ईजी है और बहुत अच्छे होते हैं और बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आते हैं, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कच्चे केले के वेफर कैसे बनाए जाते हैं। केले के ऐसे छिलके निकाल लेने के, और तेल तो मैंने पहले से ही गर्म रख दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कच्चे केले के वेफर कैसे करने के। तो इसके लिए मेरे को ये किशनी मांगता है, अभी मैं इससे आपको कच्चे केले के वेफर बना के दिखाऊंगी। अभी मैं इसमें वेफर डालती हूँ। इसमें मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा है, तो बाहर वाले इतना मेहनत करेंगे कि जो घर वाले करते वो तो बाहर वाले नहीं करेंगे ना। और ये तो मैं बहुत साल से बनाती हूँ, ये केले का वेफर तो बहुत साल से बनाती हूँ, तो हमारे बच्चे छोटे थे तब से उसको अच्छा लगता है, तब से मैं ये केले का वेफर बनाती हूँ। ज़रा लाल नहीं हो जाए उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, ये वेफर बहुत लाल नहीं हो जाए। बस अभी ये तैयार है, मैं उसको निकाल लेती हूँ। और ये वेफर का क्या एक दूसरे में चिपक नहीं जाना मांगता है वेफर को डालने के समय। देखो ये कितना पतला हुआ है, आपको भी मालूम पड़ेगा कि ये कितना पतला हुआ है, उसके लिए उसको बोलते हैं पेपर किंग वेफर। अब मेरा पेपर किंग बनाना वेफर तैयार है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो ये कैसा हुआ है और कितना पतला है वो भी आप देख सकते हैं। और इसके पर मैं ये सॉल्ट और पेपर का मसाला डाल देती हूँ ऊपर। लो आप भी खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ और अपने बच्चे को भी खिलाओ, और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो बताओ।